भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पा रहे। सच्चाई है ना, रेलवे घोटाला में, भर्ती घोटाला में, माल घोटाला में, ये सब तो आपके चैनल पर आज तक रिकॉर्ड पर होगा कि भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा, इसका जवाब आना चाहिए। सुशील जी ने लगाया था, धर्म जी ने लगाया था, तो आज क्या हो गया एकाएक, आज हो क्या गया एकाएक। और 20 का चुनाव जीते मोदी जी के नाम पर, 19 की लोकसभा जीते मोदी जी के नाम पर, भाजपा ने अपने MP की संख्या कम की, तो आज हो क्या गया आपको। बिहार को उसी भ्रष्टाचार, उसी अपराध, उसी खौफ के दलदल में आप क्यों ढकेल रहे नीतीश कुमार जी, ये तो जनादेश का अपमान है। JDU कह रही है कि RCP के जरिए तोड़ने की कोशिश थी, JDU को तोड़ने की बात हो रही थी, माहौल जो देश में जो बन रहा था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है ना। अगर हमको उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, जो 20 का समय था ना, उनकी सीटें बहुत कम हो गई, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, बनाया था। ये कौन सी बात कही जा रही है, उनके घर की लड़ाई पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन भाजपा का ऊपर ये आरोप कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश बिल्कुल गलत है। मेरा फिर सवाल है, जिस भ्रष्टाचार अपराध के नाम पर आपने लालू प्रसाद तेजस्वी जी को 17 में छोड़ा, भाजपा के साथ आए, मोदी जी के नाम पर जीते 19 और 20 में, अब क्या हो गया। नहीं, उन्होंने एक और बात कही कि पूरा देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसको वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए भी घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई BJP आप नए हैं क्या, 95 से है ना, जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे चाला घोटाले की, अटल जी की सरकार में मंत्री बने, खूब रहे। 2005 में उनको नेता बनवाने में पूरे स्वर्गीय अरुण जेटली, सुषमा जी और प्रमोद महाजन जी, इसी कार्यालय में हम लोगों ने कहा था कि इनको नेता बनाने से फ़ायदा होगा। उनकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, इंक्लूडिंग स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस। अटल जी अडवाणी जी कहे कि नहीं, मोदी जी को नेता बनाएंगे। तो जब भाजपा से मदद लेके बड़े नेता बने तो भाजपा ठीक थी। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण, देश और जनता के, बिहार के, उनके ऊपर आस्था के कारण चुनाव जीते, तो मोदी जी ठीक हैं, भाजपा ठीक है। आज हुआ क्या, अगले सवाल की